हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों रात के 9 बज गए हैं और आपको पता है बायजूस एग्जाम प्रेप द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन में हमारा समय हो गया है डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने। तो आज यानी कि 5 अक्टूबर के दिन हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और कई क्वेश्चंस को भी इसकी मदद से हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे करंट अफेयर को याद करने की जगह समझने की हमारी आदत लग सके। तो वेरी गुड इवनिंग खुशबू, रिमझिम, प्रेम, नितिन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन का लिंक भी अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और सेशन का आनंद ले। भाग्यश्री, नुपुर, सपना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रा, अदिति, जय, प्रतीक्षा, गुड़िया, अविनाश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या न्यूज हमारे सामने है जो कि हमें अनफोल्ड करनी है और चीजों को समझना है दोस्तों। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। अंकिता, सिमरन, रिमझिम, अविनाश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोजलीन, वेरी गुड आफ्टरनून। सीमा, गुड इवनिंग। चलिए तो पहली न्यूज हमारी क्या है ये देखते हैं। आप में से कोई बता सकता है इस सवाल का जवाब पहले तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वच्छ भारत मिशन 2.0, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा संस्करण है उसके संदर्भ में जो दो कथन दिए गए हैं आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र का जो दूसरा संस्करण है वो हमारा उसका लक्ष्य क्या है कि सारे शहरों को हमारा कचरा मुक्त करना है, यानी कि टू मेक ऑल द सिटीज गार्बेज फ्री। और दूसरा कथन क्या कहता है, इसके लिए हमारा जो पैसा यानी कि बजट आवंटित किया गया है वो 1.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। आप में से कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं बताइए। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं बता सकता इस न्यूज को पढ़ने के बाद वो भी बताने योग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा संस्करण और अमृत का सेकंड जो हमारा वर्जन है उसको लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन का जो शहरी क्षेत्र का दूसरा वर्जन है और अमृत मिशन का उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर हम पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी तो आपको पता ही है, और अमृत की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन का दूसरा संस्करण, नाम याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करें तो इन दोनों जो मिशन है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे संस्करण में, तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि जितने भी हमारे शहर हैं उसको हमें कचरा मुक्त बनाना है, यानी कि जो भी हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो भी सिटीज एस्पिरेशन सिटीज में हमने सेलेक्ट कर रखी है उनको हमें गार्बेज फ्री बनाना है, और अमृत महोत्सव के अंदर हमें वहां पर वाटर की सिक्योरिटी लेकर के आनी है, यानी कि उन सभी शहरों में सभी के घर तक हमारा टैप का कनेक्शन हो। आपने देखा होगा हमारा जल जीवन मिशन आया हुआ है, तो वाटर सिक्योरिटी को हमारा क्या करना है, अमृत महोत्सव से पहुंचाना है और सफाई जो है स्वच्छ भारत मिशन से करनी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों योजनाओं को इंप्लीमेंट अच्छे से करते हैं तो आपको पता ही है कि ये हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है 2030 तक हमें अचीव करना है उनके भी दो इंपॉर्टेंट लक्ष्यों को क्या करेगा, अचीव करने में मदद करेगा। कमेंट करके जरा बताइए कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन कौन से गोल अचीव होंगे, जरा कमेंट में करके बताइए मुझे। देखिए कितने लोगों को हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके सारे मिशंस पता हैं या फिर सारे गोल्स पता हैं। इसके अलावा आइए एक एक स्कीम के बारे में देखते हैं क्या है दोस्तों। अगर हम पहले बात करें स्वच्छ भारत मिशन शहरी की, तो ये हमारा क्या करता है, सभी शहरों को कचरा मुक्त करता है, और इसके अलावा हमारा जो ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट है सभी शहरों में इसको भी कवर करता है। आप में से कोई बता सकता है ये ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों रंग जो है हमारा ये क्या होता है, पानी के जो हमारा जो वेस्ट वाटर है उसके प्रबंधन से संबंधित है। आपने अगर देखा होगा हमारे घर पे दो तरह के जो आउट पाइप्स होते हैं वो होते हैं, यानी कि हमारे घर से दो तरह का पानी निकलता है। एक हमारा होता है सीवर का पानी, सीवर में कौन सा होता है, जिसमें सेप्टिक टैंक वगैरह में आप देखोगे हमारा जो वॉशरूम का यानी कि टॉयलेट का और हमारा जो हमारा फेकल्स वगैरह है इसका जो वेस्टेज होता है। तो जब भी हम लोग अपने बाथरूम की चीजों का यानी कि बाथरूम के गंदे पानी का
प्रबंधन करते हैं तो ये हमारा ब्लैक वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। जब भी हम अपने घर में अन्य पानी का, जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन का पानी हो गया गंदा, बर्तन का पानी या अन्य कोई आपके धुलाई वगैरह का पानी जो कि वेस्ट वाटर है उसका प्रबंधन करते हैं तो उसको हम लोग ग्रे वाटर मैनेजमेंट में लेकर के। समझ में आया ब्लैक और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के डिफरेंस क्या है? ब्लैक का मतलब क्या हुआ? हमारे टॉयलेट का यूरिन वाला वाटर। और ग्रे का मतलब क्या हुआ? हमारा बाकी जो वाटर है यूरिन का हटा करके हमारे किचन का, वॉशिंग मशीन का या फिर गंदे बर्तनों का पानी, ये सब इसके अंदर आता है। इसके अलावा सरकार ने हमारा अमृत योजना के अंतर्गत हमारे सभी शहरी जो हमारी निकायियां हैं यानी कि स्थानीय निकायियां हैं उनको हमारा ओडीएफ प्लस, और वो ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है उनको ओडीएफ प्लस प्लस का सर्टिफिकेशन या फिर उनको उस लेवल की हमारी जो सफाई के अभियान है उसको अचीव करने की बात करी है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपीज का रखा है जिससे कि हम इन दोनों योजना को इंप्लीमेंट करें। इसके अलावा अगर हम बात करें अमृत योजना की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है कि 100% सभी घरों को, जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको हमारा पानी की पूर्ति कराना, यानी कि उनके घर तक पानी जो है हमेशा हमारा टैप्ड कनेक्शन आए। ऐसा ना हो कि कोई भी घर हमारा जो है वो जो पीने का स्वच्छ पानी है या उसके घर तक क्या है पानी की सुविधा ना हो। तो इसके अंदर लगभग हम लोग 4,700 लोकल अर्बन बॉडीज को में लगभग हम 2.68 करोड़ के नल के कनेक्शन देंगे और लगभग 100% कवरेज करेंगे सीवेज का और सेप्टिक का जो कि हमारे 500 अमृत सिटीज के अंतर्गत आएगा। और इसके अंदर लगभग हम लोग 2.64 करोड़ सीवर और सेप्टिक टैंक के कनेक्शन भी करेंगे जो कि लगभग शहरी क्षेत्र में 10.5 करोड़ की क्या करेगा, हमारी जनता को ये सुविधाएं प्रदान करेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में क्या है, कितनी बड़ी मात्रा में हमारे देश के जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको हमारा स्वच्छ और निर्मल वातावरण देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी बस्तियां या फिर जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज वे में कॉलोनीज डेवलप होती हैं तो वहां पर आप देखिए सीवर वगैरह की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हमारे मच्छर और अन्य प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो ये सिर्फ हमारी साफ सफाई के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी क्या करेगा, बेटर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं न्यूज। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा जो प्रिंसिपल जो अडॉप्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी को होगा। और ये साथ साथ हमारे संरक्षण और रिजुबिनेशन यानी कि कायाकल्प का भी कार्य करेगा हमारे जो ग्राउंड वाटर बॉडीज हैं। क्योंकि तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे शहरों में, बड़े शहरों में जितने भी हमारे तालाब हैं या फिर जो भी भूजल निकायियां हैं उनको हम लोग रिजुविनेट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि तो आपने देखा होगा हमारा पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि हमारा अगले जो 50 साल की अगर हम बात करें, हमारा 2050 और 2070 में, तो दुनिया के जो हमारे टॉप 100 सिटीज है जहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी यानी कि पानी की कमी होगी उसमें भारत के भी लगभग 25 के आसपास शहर हैं। तो अगर हम अभी से अपने जो उन शहरों का वाटर रिचार्ज या ग्राउंड वाटर को अभी से हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए या फिर हमारे आने वाले कल के लिए एक समस्या भी पैदा करेगा। और आपको पता है कि पानी की वजह से हमारी कितनी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है, सिर्फ हमारे पीने के लिए नहीं बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगा। सभी को क्लियर है ये वाली न्यूज? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड। हाँ, तो इससे हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारी सरकार पेयजल सर्वेक्षण भी लेकर के आई है जिससे कि हम लोग शहरों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा को लेकर के आए और शहरों को इसमें रैंक भी करें। तो सरकार ने अमृत योजना के लिए हमारा 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया। ठीक है, तो दोनों योजनाओं के बजट भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत शहरी और अमृत योजना का दूसरे संस्करण के अलावा हमारा जो जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी क्या करा है, हमारा आधारशिला रखी है। तो याद रखिएगा सीपेट की आधारशिला जो कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के जयपुर में रखी गई है। तो हो सकता है जो लोग राजस्थान का या आरएएस की परीक्षा दे रहे हैं उनसे एमसीक्यू में ये प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, साउथ अफ्रीका में तो हमारा वाटर क्राइसिस है। आपको पता है कि जो जोहानेसबर्ग शहर है जो कि वहां का वन ऑफ द
मोस्ट डेवलप्ड और इकोनॉमिकली साउंड सिटी है, वहां पर भी वाटर स्कैरिसिटी अभी हो गई है, यानी कि वहां आज की डेट में पानी का अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन सभी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहला सवाल अब सभी से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन में हम सभी शहरों को कचरा मुक्त कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और दूसरा, हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके लिए हमने 1.41 लाख करोड़ रखा है, यानी कि दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको कोई डाउट या कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। आप में से जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं सेशन पहली बार, जिनको पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत है, तो मैं टीम से बोल दूंगा, वो आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी इस सेशन की मिल जाएगी। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। चलिए दूसरी न्यूज देखते हैं, कितने लोग बता पाते हैं इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेस्ट प्रैक्टिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट। हाल ही में हमारे जो जिला अस्पताल हैं उनके अंदर जो भी हमारा कामकाज होता है उसके लिए एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, तो आपको बताना है वो जो रिपोर्ट आई है जिला अस्पतालों की, उसके संदर्भ में तीन कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन क्या कहता है, इसको नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित या जारी किया गया है। दूसरा, अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया हैज ऑन एन एवरेज ऑफ 24 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि भारत के जो जिला अस्पताल है उसमें 24 जो बिस्तर हैं वो 1 लाख की जनसंख्या पर हमारे मौजूद है, और उत्तर प्रदेश में हमारे सबसे कम बेड मौजूद है जनसंख्या के आधार पर। तो आप में से कोई बता सकता है इसका कौन कौन सा कथन सही है? अच्छा, प्रियंका का कहना है पहला दूसरा सही है, अरविंद भाई का कहना है सिर्फ पहला दूसरा सही है। ओके चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका। देखिए पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो जो हमारा नीति आयोग है जो कि भारत का थिंक टैंक है, उसके द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। अगर हम दोस्तों इस रिपोर्ट की बात करें तो इसने हमारे देश में जितने भी जिला अस्पताल हैं उनकी जो कार्यशैली है या कामकाज है या वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, उसको पूरी जानकारी या उसका पोल पट्टी या फिर पूरा उसका क्या है ऑपरेशन यहाँ पर इस रिपोर्ट ने किया है। अगर हम इस रिपोर्ट की दोस्तों बात करें तो ये जो रिपोर्ट है हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि भारत में जिसका कार्यालय है, भारत का जो संगठन संगठन जो इनकी इकाई है, उन दोनों के साथ मिलकर के इसको रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, और ये अपने आप में पहली ऐसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जो कि जिला अस्पतालों का क्या करेगी, इस सब चीजों पे नजर रखेगी। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर हमने 10 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आधार बनाया है, जिसमें हमने लगभग 707 जिला अस्पतालों को, जो कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं, उनको इनके इन 10 मापदंडों में तोला है। तो याद रखिएगा 10 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं और 707 जिला अस्पतालों को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको हमने किया है। तो इसके अंदर जो दोस्तों डेटा लिया है हमने, इसके अंदर जो हमने डेटा लिया है वो 2017 और 18 का लिया है। तो हमारा जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जो एक डेटाबेस होता है जिसमें हमारे देश में कौन कौन से सरकारी अस्पताल हैं, कौन कौन से जिला अस्पताल हैं, किसमें कितने बेड्स हैं, किसमें कितने ऑपरेशन थिएटर, ये जो भी तमाम डेटा होता है वो 2017 और 18 के अनुसार हमने बेसलाइन के अनुसार यूज किया है। तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने बेसिकली तीन कैटेगरी में अस्पतालों को डिवाइड किया है। हमने जो बेड की संख्या है, हर अस्पताल को आप एक पैमाने पे नहीं नाप सकते, कुछ अस्पताल बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो हमने यहाँ पे जो बेडों की संख्या है उसके अनुसार यहाँ पे अस्पतालों को क्लासिफाई किया है। तो छोटे अस्पताल वो हैं जहां पर हमारी जो बेड की संख्या है 200 के बराबर या 200 से कम है, पहला कैटेगरी। दूसरा यानी कि मिड साइज, यानी कि मध्यम जो हमारे आकार के अस्पताल हैं, जहां पर 201 से लेकर के 300 बिस्तर की व्यवस्था है, और बड़े अस्पताल वो हैं जहां पे 300 से अधिक बिस्तर उपलब्ध है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अक्रॉस 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इमर्ज एट टॉप परफॉर्मर, यानी कि 75 जिले अस्पताल जो कि हमारे 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं, वो हमारे टॉप परफॉर्मर में क्या हुए हैं, वो निकल करके आए, यानी कि उनका प्रदर्शन जो है वो सबसे शीर्ष स्तर का माना गया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे भारत में, तो भारत का कोई जो जिला अस्पताल है उसकी अगर हम बात करें तो एवरेज 24 बिस्तर हमारे 1 लाख की जनसंख्या पे मौजूद है। तो ये आंकड़े को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपसे एमसीक्यू में स्टेटमेंट पे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो भारत का जो हमारा औसतन स्तर है वो 24 बिस्तर है प्रति 1 लाख की आबादी पर। और वहीं पर भारत का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो बिहार है, यानी कि वहां पर हमारा 1 लाख की जनसंख्या पर 6 बिस्तर हमारे जिला अस्पताल में मौजूद है। तो काफी चिंता का विषय है खास तौर पे बिहार के लिए, और बिहार की सरकार को भी इस पर ध्यान देना है, क्योंकि बिहार हमारा क्या है, वन ऑफ द पॉपुलस स्टेट्स है, यानी कि वहां की जनसंख्या भारत के टॉप 5 स्टेट्स में शुमार है। तो वहां पे अगर सिर्फ 6 अस्पताल 1 लाख की जनसंख्या पे है तो एक हमारे लिए चिंता का सबब भी है। और वहीं पर अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर 222 बिस्तर हमारे प्रति 1 लाख की जनसंख्या पे मौजूद है। इन दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा, पुडुचेरी के बारे में और किसके बारे में, बिहार के बारे में, ये दोनों आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और राष्ट्रीय हमारा औसत कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओनली 27% ऑफ द टोटल 707 डिस्ट्रिक्ट असाइन मीट द डॉक्टर टू बेड रेशियो ऑफ 29 डॉक्टर्स पर 100 इन एन हॉस्पिटल। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक रेशियो बनाया गया है WHO के द्वारा, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो लगभग डॉक्टर और बेड का रेशियो कितना है, यानी कि कितने बिस्तरों पे हमारे एक डॉक्टर मौजूद है, तो वो रेशियो हमारा कितना है, 29 डॉक्टर है प्रति 100 बेड पर अस्पताल में। तो सिर्फ हमारे 27% अस्पताल, 707 का अगर हम 27% निकालें तो सिर्फ इतने ही अस्पताल क्या है इस रेशियो को मीट कर पा रहे हैं, जो कि एक हमारे लिए चिंता का सबब है, यानी कि हमारा जो 30% से भी कम का रेशियो आ रहा है यहाँ पर। तो हमें अपने देश में डॉक्टर की भी नियुक्ति करनी है ना, हमारा डॉक्टर्स की भी नियुक्ति करनी है, और इसके अलावा बेडों की संख्या भी बढ़ानी है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर हमारे जो पैरा मेडिकल स्टाफ से, उनकी भी नियुक्ति करनी है, ताकि पेशेंट्स की भी हम लोग अच्छे से देखभाल कर सकें। तो सभी को ये क्लियर है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, किसके द्वारा प्रकाशित की गई और कौन सा राज्य ने अच्छा और किस केंद्र शासित प्रदेश ने हमारा अच्छा या बुरा परफॉर्म किया है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आइए देखते हैं अब कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं इस रिपोर्ट के बाद। अब बताइए, तो पहला कथन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या का सही आंसर क्या है। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, पहला स्टेटमेंट नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा, भारत में 24 बिस्तर है प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर, बिल्कुल सही। और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार क्या है, हमारा लोएस्ट एवरेज बेड है, जहां पर मात्र 6 बिस्तर मौजूद है प्रति 1 लाख की जनसंख्या। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड अंकिता, वर्षा, शालिनी, सिमरन, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास। आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021 यानी कि सबकी योजना सबका विकास की शुरुआत की है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या फिर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, बताइए फटाफट। आप में से जो लोग सेशन को YouTube पे देख रहे हैं और आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को जरूर लाइक कीजिए, इससे हमारा और हमारी टीम का मनोबल भी बढ़ता है। चलिए आइए देखते हैं न्यूज़। तो दोस्तों, हाल ही में हमारा जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उनके द्वारा हमारा पीपल्स प्लान कैंपेन 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड को लॉन्च किया। क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और ये दो दोनों चीजें अलग अलग है। एक हमारा क्या है, कैंपेन है यानी कि अभियान है, और दूसरा क्या है, डैशबोर्ड यानी कि एक तरह से आप वेबसाइट या फिर पोर्टल समझ सकते हैं, जहां पर हमारी सारी जानकारी एक जगह एकत्रित होती है।
अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस कैंपेन के दौरान उन्होंने हमारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन में हमारा जो प्लान है यानी कि योजनाएं हैं उसकी एक पुस्तक को यानी कि बुकलेट को जारी किया है। और इसके अलावा हमारा जो ग्रामोदय संकल्प पत्रिका है उसका 10वां संस्करण को भी रिलीज किया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो हमारा पीपल्स प्लान कैंपेन है ये पूरे देश में यानी कि भारत के सभी राज्यों में 2 अक्टूबर से हमारा क्या हो गया है, रोल आउट कर दिया गया है। और लगभग हमारे इसके अंदर 31.65 लाख इलेक्टेड पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव जो कि हमारे पूरे भारत में हैं, और जिसमें से लगभग आधे के करीब हमारी महिलाएं हैं जो कि पंचायत में हैं, वो सब भी इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हमारे 2.56 लाख पंचायत है अपलोडेड देयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो जो हमारा जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान का जो पोर्टल है 2020 का, उसमें इन्होंने अपना जो डेवलपमेंट प्लान या विकास की योजनाएं हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पे अपलोड किया। इसके अलावा ये जो डैशबोर्ड है इसको हमारा बनाया गया है जिससे कि हमारा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का पार्टिसिपेशन यानी कि उनकी भागीदारी को और बेहतर बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा भारत नेट योजना लेकर के आए हैं जिससे कि हम सारी पंचायतों को क्या कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ रहे हैं। तो जब पंचायतों में हमारा इंटरनेट कनेक्शन पहुंच जाएगा तो अगर हम ऐसे पोर्टल्स बनाएंगे जिससे कि पंचायत को हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करा सके यानी कि उनकी भूमिका को हम बहुत ही क्या कह सकते हैं, इंक्लूसिवली इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट प्लान के साथ, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो विकास है वो चौतरफा होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश में पहले जो योजनाएं बनती थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच से बनती थी, और जब से नीति आयोग आया है तब से कौन सी अप्रोच लगने लगी है बताइए, जब से हमारा नीति आयोग आया है तब से कौन सी अप्रोच लगने लगी है, बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से जो चीजें होती है वो कार्यान्वित होती है ऊपर, यानी कि सबकी जो समस्याएं हैं सबका विकास का मॉडल है वो अलग अलग है। तो हर ग्राम पंचायत और सभाओं में जो हमारा मॉडल है वो अपने प्लान्स को उसके अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे और उसके लिए विकास का कार्य करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा ये सब चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा पंचायती विकास योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, ताकि हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पंचायत में और हमारे स्वयंसेवी समूह में जो महिलाएं हैं जिनको हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत लेके आए हैं, उनका और सशक्तिकरण उनका किया जा सके, ताकि उनको हम लोग एक्टिवली हमारे डेवलपमेंट योजनाओं में और स्कीम्स में उनका योगदान को लेकर के आ सके। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। अच्छा, आशीष सर भी जुड़ गए, आशीष सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो दोस्तों, आशीष सर बायजूस एग्जाम प्रेप पे आपको हिस्ट्री और साइंस पढ़ाते हैं, तो सर की क्लास सुबह 11:30 बजे और रात 8:30 बजे फ्री क्लासेस होती है। तो आज ही बायजूस एग्जाम प्रेप का ऐप डाउनलोड कीजिए और आशीष कुशवाहा सर की क्लासेस 11:30 बजे और रात 8:30 बजे फ्री क्लासेस को एंजॉय कीजिए दोस्तों। चलिए, तो अब भैया ये वाला क्वेश्चन सबसे बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए एक नजर दौड़ाते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं अब कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन का, बताइए आप में से कितने लोग अब इसका आंसर कर पा रहे हैं बताइए। अब तो भैया मंत्रालय बता देंगे, कौन सा मंत्रालय है, वेरी गुड, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायतों के सशक्तिकरण करने के लिए हमने इस योजना को लेकर के है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आज सुबह भी मैंने पढ़ाया ही आप लोगों को, तो सभी लोग आंसर कर पाएंगे इसका। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड एन ऑर्डर फॉर एन एक्स रेशियो ऑफ व्हाट अमाउंट टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19। हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय ने कोविड में से या फिर कोविड में जिनकी जान गई उनके परिजनों को कितनी रुपए की धनराशि अनुग्रह राशि के रूप में देने का आदेश प्रदान किया है, 50,000, 75,000, 1,00,000 या फिर 1,50,000। बहुत बढ़िया, यानी कि सभी ने सुबह वाली क्लास देखी है मेरी, सुबह 10 बजे वाली, बहुत बढ़िया। चलिए आइए इसकी न्यूज थोड़ा देखते हैं। देखिए, तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर हमारी सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को बनाया है, जिसमें कि राज्य सरकार जब भी उनके यहाँ कोई भी प्रकार की आपदा आती है तो उस निधि का इस्तेमाल करके क्या कर सकती है, अपने राज्य में राहत के कार्य कर सकती है। तो हाल ही में NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट
जो हमारी अथॉरिटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद 50,000 रुपए की धनराशि जो है एक्सक्रेशिया के फॉर्म में ऐसे लोगों के परिजनों को दी जाएगी जिन्होंने कोविड में अपनी जान को गंवाई है। इसका जो प्रक्रिया क्या है, आफ्टर द डॉक्यूमेंट प्रूविंग द कोविड 19 डेथ आर सबमिटेड द क्लेम विल बी सेटल्ड विद इन द 13 डेज। तो यानी कि अगर भगवान ना करे किसी के जानकारी में किसी की मृत्यु कोविड के चलते अगर होती है तो वो अपनी जो दस्तावेज है जिसमें कि उसकी मृत्यु की पुष्टि कोविड 19 के कारण हुई है तो उसको जब वो सबमिट करेगा और आधार लिंक बैंक अकाउंट को भी वहां पे सबमिट करेगा दस्तावेज के तौर पर तो 30 दिन के अंदर उनको वो धनराशि जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप इसके लिए किसी भी प्रकार की अगर आपको ग्रेवेंसेस यानी कि कोई भी समस्या या फिर कोई भी दिक्कत आती है या फिर आपका कोई भी शिकायत है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे जाकर के इसकी क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत को दूर कर सकते हैं और वही अथॉरिटी जो है आपका सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ और इशू अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करेगी, यानी कि जो मृत्यु का प्रमाण पत्र है वो और आपके अन्य जो दस्तावेज हैं उसको भी वो एड्रेस करेगी। इसके अलावा जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, एनडीएमए के द्वारा 50,000 रुपए की धनराशि सभी लोगों को दी जा रही है जिनकी मृत्यु का कारण कोविड 19 है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा सरकार ने इसमें उनको भी इंक्लूड किया है जो लोग इसके रिलीफ ऑपरेशन और इसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, यानी कि आपने देखा होगा हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने कोविड में लोगों की मदद करते करते अपने आप की जान गंवा दी, तो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा। तो सरकार ने जो हाल ही में हमारी जो केंद्र सरकार ने हाल ही में इसका जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसको हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में रिलीज कर दिया है जिसमें लगभग हमारा 7,274.40 करोड़ रुपए की धनराशि है, लगभग 23 राज्यों को ये दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 स्टेट को ऑलरेडी हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी गई थी जो कि लगभग 1599.20 करोड़ की थी। जैसे मैंने आपको बताया ये मनी जो है हमारा स्टेट यानी कि राज्य आपदा राहत कोष के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, तो जो ये पैसा है इसमें हमारी सरकार ने दो तरीके का प्रावधान लेकर के आए हैं, यानी कि पहला क्या है कि केंद्र सरकार जो है 75% धनराशि हमारे नॉर्मल स्टेट्स में दे रही है, यानी कि जो हमारे सामान्य राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें हमारी 75% तक की धनराशि जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं पर हमारे जो स्पेशल स्टेट्स हैं जैसे कि हमारे अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्य, सिक्किम, हिमालयन स्टेट्स में बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार 90% की धनराशि देगी, ठीक है ना। तो 90% की धनराशि जो है हमारे पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के में देगी और बाकी में हमारा 75% है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब ये क्वेश्चन सभी से हो जाएगा, ऑलमोस्ट आप में से काफी बच्चों ने सही आंसर दिया भी था इसका, तो सही आंसर क्या है 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव एंड इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल वॉज लॉन्च बाई विस मिनिस्ट्री। आपको बताना है हमारा जो इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव है और इंडिया एक्सपोर्ट 2021 का पोर्टल है ये किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बताइए इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। चलिए जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें तो ये जो हमारा इनिशिएटिव और पोर्टल है ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं केंद्र में जो हमारे एमएसएमई के मंत्री हैं नारायण राणे जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना, नारायण राणे जी उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जैसा मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए एक मंच
प्रदान करेगा, एक मंच प्रदान करेगा जहां पर वो अपने आप को शोकेस कर सकते हैं और अपने उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। दिस इनिशिएटिव फीचर्स एन इंफॉर्मेशन पोर्टल विच सर्व्स एज ए नॉलेज बेस फॉर एक्सपोर्ट बाई द इंडियन एमएसएमईज विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट पोटेंशियल फॉर ऑल 456 टैरिफ लाइन अक्रॉस द पोटेंशियल मार्केट एज वेल एज ट्रेंड इन द एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड लॉट मोर। आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ का आयात या निर्यात करते हैं भारत से तो उसके अंदर हम लोग को सीमा शुल्क देना पड़ता है ना, लेकिन अगर हम अपने देश से एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार के द्वारा कई प्रकार की छूट दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन कंपेरिजन टू आयात। तो सरकार ने ये पोर्टल इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे देश के छोटे मध्यम और लघु उद्योग हैं उनको हमारे जो 456 टैरिफ्स हैं जो भी एक्सपोर्ट आइटम्स में, उनकी जानकारी उनको यहाँ से मिले और ताकि वो लोग अपने प्रोडक्शन को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन कर सकें और हमारे देश में एक्सपोर्ट को और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोर देन 63 मिलियन एमएसएमई स्प्रेडेड अक्रॉस द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, एमएसएमई हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ ओवरऑल इंडियाज एक्सपोर्ट। तो कितनी बड़ी बात है कि लगभग अगर हम पूरे भारत में बात करें तो 63 मिलियन के आसपास हमारे यहाँ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो कि भारत में कुल निर्यात जो है उसका 40% का कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम इसके अपने देश की जीडीपी में हिस्से की बात करें तो 6.11% देश की जीडीपी में इसका हिस्सा है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और वहीं पर अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो 24.63% हमारे देश की सेवा क्षेत्र में हमारा क्या है, एक्सपोर्ट का रोल है एमएसएमई में। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमी में, जिन्होंने ट्रेड आज पढ़ा था। तो जब मैंने आपको ट्रेड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे आंकड़े क्या होते हैं, सरकार इसको साल भर में जारी करती है जिससे कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों का व्यापार पता लगे कि देश हमारा किस मोड़ पर खड़ा है या इकोनॉमी हमारी कहां पर है। तो इस आंकड़े को अच्छे से याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सबसे, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट हरा भरा इंडियाज फर्स्ट एरियल सीडिंग कैंपेन यूजिंग सीडोकॉप्टर ड्रोन वॉज लॉन्च। आपको बताना है इनमें से भारत के किस राज्य में पहली बार हमारा एक हवाई हवा के माध्यम से, सीडोकॉप्टर के माध्यम से हमने बीज वितरण का, यानी कि बीज डालने का अभियान जिसका नाम है हरा भरा लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, बताइए। 1 ट्रिलियन का हमारा जो एक्सपोर्ट का, हाँ 2027 का है, बिल्कुल सही सुना लिया। आइए देखते हैं। तो दोस्तों भारत का जो पहला हमारा, आप देख सकते हैं सीडोकॉप्टर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ड्रोन है जिसमें हम लोग यहाँ से क्या है, बीज वगैरह को क्या कर सकते हैं, आराम से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। जहां पे हमें जरूरत है वृक्षारोपण करना है या किसी प्रकार का हमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है तो हम लोग बीज को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। अगर हम बात करें तो भारत का ये अपने आप में पहला जो उपयोग में लाने वाला जो सीड अभियान है ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो तेलंगाना में हमारा पहला सीडोकॉप्टर ड्रोन हरा भरा इनिशिएटिव के नाम से शुरू किया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया तो ये हमारा जो है, हमारा रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने में और इसके अलावा हमारा बीज को बिछाने में या फिर उसको डालने का कार्य करेगा और इसको डेवलप किया गया है मारुत ड्रोन के द्वारा। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा मारुत ड्रोन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा डिस्पर्स करेगा, यानी कि बीज को जगह जगह बिछाने का कार्य करेगा खाली जगहों पर, जंगलों में, ताकि इससे क्या हो, हमारे पेड़ पौधों का हम लोग क्या कर सकें, तेजी से इस कवर को इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा भारत की सरकार ने तमाम प्रकार के इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारे देश में फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया,
या फिर नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और कैंपा फंड भी हम लोग लेकर के आए हैं, यानी कि ऐसे उद्योग या ऐसे और हमारे इंडस्ट्रीज को हम इसमें पनिश करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैंपा फंड को लेकर के आते हैं और उन जिलों में निवेश करते हैं जहां पर पर्यावरण से उनके कारण नुकसान हुआ है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हैं। नहीं, आंध्र प्रदेश ने इस प्रकार का नहीं लॉन्च किया था, ये हमारा अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है ना। भारत में पहली बार हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश का जो था वो दूसरा प्रोग्राम था, उसमें हमारा ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। 2015 की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे हम लोग प्लेन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके नॉर्मल छिड़काव कर रहे थे, और ये पूरी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया है, अगर आप लोग में से कोई आंसर कर पाएगा। चाचा चौधरी को हाल ही में इनमें से कौन सी भारत सरकार और कार्यक्रम का मस्कट के रूप में चुना गया है? पीएम किसान, नमामि गंगे, आयुष्मान भारत या फिर अमृत 2.0, इनमें से किसका जो है मस्कट यानी कि शुभांकर के रूप में चुना गया है, आपको बता बताइए। चलिए आइए देखते हैं। तो चाचा चौधरी को हाल ही में हमारे नमामि गंगे कार्यक्रम का जो है मस्कॉट के रूप में ऑफिशियली अनाउंस किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ताकि बच्चों में और लोगों में जागरूकता लाए। आपने देखा होगा कि हमारे डायमंड कॉमिक्स का ये करेक्टर चाचा चौधरी बच्चों में काफी लोकप्रिय होता था। जब हम लोग छोटे होते थे तो कॉमिक्स पढ़ते थे चाचा चौधरी और साबू की, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे आज के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के हमारे शुभांकर होंगे। तो हाल ही में जो 37वां हमारा जो कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि चाचा चौधरी को इस मिशन का मैस्कॉट के रूप में हम लोग फिर से प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि तो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि चाचा चौधरी ही हमारे मैस्कॉट थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डायमंड वालों के साथ इसको टाई अप किया है, क्योंकि जो चाचा चौधरी करेक्टर है वो डायमंड टून्स का क्या है, कॉपीराइट करेक्टर है। तो अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो हमें डायमंड टून से क्या करना पड़ेगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स लेने पड़ेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नमामि गंगे में कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी सरकार ने 2.26 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। ठीक है, इसके लिए हमारा बजट भी आवंटित किया है। ठीक है, तो अगर चाचा चौधरी की बात करें तो ये जो करेक्टर है ये प्राण कुमार शर्मा जी के द्वारा 1971 में लेकर के आया गया था, है ना। और अभी भी हमारे जो छोटे बच्चे और इवन बड़े लोग भी, इवन मैं भी कई बार होता हूँ, फ्री होता हूँ एयरपोर्ट या फिर कभी रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा तो चाचा चौधरी की जो नई कॉमिक्स आती है उसको हम लोग जरूर पढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार और काफी क्या है, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी माने जाते हैं, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर है, नमामि गंगे कार्यक्रम। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? आपको बताना है इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का जो एक जिला एक उत्पादन जो हमारा योजना है उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर प्रियंका चोपड़ा जोनस? ओके, काफी बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। भैया फिल्मों का क्वेश्चन आता है तो बच्चों से, मास्टर से ज्यादा क्या है, बच्चों को पता होता है। बहुत बढ़िया, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करते हुए ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इनको चयनित किया गया है। तो याद रखिएगा, खास तौर पे वो बच्चे जो लोग इस साल UPPCS की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, SI या फिर RO की दे रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये न्यूज है। ठीक है, तो हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे देश में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हब को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लेकर के आए हैं, ताकि हम वहां पर जो हमारे परंपरागत जो उद्योग हैं उनको दोबारा से क्या कर सके, विकसित कर सके और औद्योगिक केंद्र के रूप में उनको बना सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किस राज्य का ये स्कीम है और कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ, अभी पिछले हफ्ते की न्यूज है, बिल्कुल सही देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हैज बीन अज्यूम्ड चार्ज एज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। आपने देखा होगा हाल ही में हमारी सरकार ने सॉरी ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट की स्थापना की है, तो आपको बताना है इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं। विनय मित्तल जी, आरबी शर्मा, सूर्य प्रताप सिंह या फिर ई आर शेख। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल कोई ना कोई परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि तो आपको पता ही है जब भी कोई नया संगठन या कोई भी नई संस्थान की स्थापना होती है उसके पहले अध्यक्ष या पहले हमारे महानिर्देशक के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो ई आर शेख जो है वो हमारे पहले डायरेक्टर जनरल बने हैं ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के, तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो ये जो हमारी कंपनी है, ये जो ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो ये हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ई आर शेख जो है जनरल मैनेजर है इटारसी में, जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर। इसके अलावा इनको आयुध रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा कहाँ पे ये नियुक्त है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले डायरेक्टर जनरल है तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ई आर शेख सही आंसर है, ठीक है। चलिए आइए आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आपको बताना है इनमें से कौन जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। युशुकी केनुको, फुमियो किसिडा, योशिशा कुरुकावा या फिर नोबुयो किशी, इनमें से कौन जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आइए देखते हैं कौन चुने गए हैं दोस्तों। तो जापान के पार्लियामेंट ने हाल ही में फुमियो किशिडा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम, और कई बार आपने देखा होगा जो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका सवाल भी अक्सर प्रीलिम्स जैसे पेपर्स में ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है योशिंडा सुंगा को रिप्लेस किया है, ठीक है, योशिंडा सुंगा को रिप्लेस किया है। और अगर हम बात करें तो ये हमारा जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो उसको भी इन्होंने क्या करा है, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, जो कि 29 सितंबर 2021 को हाल ही में जिन्होंने अपना कैबिनेट का गठन भी किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो जरा कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग इसके सही आंसर मेरे बताने से पहले जानते थे। करंट अफेयर्स को आप लोग सुबह न्यूज़पेपर्स वगैरह से कितने लोग इसको कलेक्ट कर रहे थे बिना पढ़े, मतलब सेशन के होने से पहले, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बिहार एमपी झारखंड किसी भी स्टेट्स के लिए, ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और कल सुबह आपसे 10 बजे मुलाकात करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में, जिसमें डेली मैं आपको 15 प्रश्न लेकर के आता हूँ, जिससे कि आपके करंट अफेयर की तैयारी आप जांच और परख सकते हैं। और रात में 9 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी करते हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ।